नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने अभी तक किया होगा कोई भी, आपने अगर कोई इमेज एडिटर ऐप यूज़ किया होगा, चाहे वो पिक्स आर्ट हो या फिर कोई से भी सॉफ्टवेयर में, तो आपने मतलब अगर आपके पास कोई भी कलर इमेज है तो उसमें आप तरह तरह के इफेक्ट डाल के, चाहे तो उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते थे या फिर कोई और भी इफेक्ट डाल के उसको इमेज को चेंज कर सकते थे। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो आप उसको कलर में कैसे बना लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये काम कर देती है। मतलब अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो आप उस पर अपलोड कीजिए और आपको कलर इमेज मतलब कन्वर्ट होके मिल जाएगी। तो ये करना कैसे है इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी खोला हुआ है एक पेज जहाँ पर कुछ ब्लैक एंड वाइट इमेज हैं। आप चाहें तो गूगल पे इमेज सर्च करके कहीं से भी ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप मतलब ये डेमो करने के लिए, आप चेक करने के लिए गूगल से किसी भी इमेज को उठा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वेबसाइट है एल्गोरिदमा, वो ये काम करती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे सिंपली लिखिएगा। मैं इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से खोल सकें वेबसाइट। ये देखिए एल्गोरिदमा, यहाँ पर मैंने टाइप किया और गूगल पर सर्च किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है कलराइज ब्लैक एंड वाइट फोटोज़। मतलब ये डायरेक्ट एल्गोरिदमा का जो लिंक है वो और भी कुछ काम करती है, लेकिन उसके सिवा जो यहाँ पर कन्वर्ट फोटो कन्वर्ट करने का काम है वो डायरेक्ट हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। उस वेबसाइट का यूआरएल है demos.algorithma.com/colorize-photos। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे या तो इमेज का यूआरएल पेस्ट करना है या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये देख रहे होंगे आप, अपलोड का है, यहाँ से अपलोड करना है पिक्चर। अगर आपके पास मौजूद है आपके सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोली हुई है एक, उस पर मुझे कुछ ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखी, तो मैं बस उसको चेक करने के लिए ओपन करता हूँ। तो उसके लिए मैं ये देखिए इस इमेज पर राइट क्लिक करके उसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। चाहूँ तो मैं डाउनलोड करके भी कर सकता हूँ बट ये ज़्यादा आसानी पड़ेगी मेरे को। तो मैं इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कलराइज इट पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेती है कलर करने में। ये देखिए जो नॉर्मल इमेज थी ना वो ऐसी थी, इसको ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसी थी ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए कलर होने के बाद ये देखिए आधा आधा यहाँ पे सूख कर रहा है, पहले ऐसी थी, कलर होने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। मतलब ये एकदम ओरिजिनल लग रही, लग नहीं रहा था कि हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है। तो ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता होगा कि मतलब इसके पास ये जो हम कलर फोटो लेते हैं तो एकदम सेम वैसे ही दिखा देगी, मतलब एग्जांपल आपको दे रहा हूँ तो आप ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। आप एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी एक कोई फ़ोटो लेते हैं, आप बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका रंग अलग अलग है, या तो कोई पीछे फ्लावर पॉट रखा हुआ है, वहाँ पे आपके जो अलग अलग फूल हैं अलग अलग कलर के हैं। अब आप वहाँ से एक पिक्चर लेते हैं, चलिए आपने ब्लैक एंड वाइट में लिया, इफेक्ट डाल के ब्लैक एंड वाइट में लिया। अब उसके बाद आप अगर इस वेबसाइट पर आकर उस फोटो को अगर आप कलर करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम जैसा ही कलर आपके ओरिजिनल में था वो यहाँ पे आ जाए। इसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं, इस वेबसाइट के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके एपीआई जो होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि अपने हिसाब से कलर मतलब भर देते हैं इमेज में, और ऐसा भरते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि ये डुप्लीकेट बनी हुई है। काफ़ी मतलब जो 95% आपका या फिर 90% आप मान सकते हो जो आप इमेज कन्वर्ट करोगे वो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, मतलब कहीं पे उसमें इमेज में छेड़खानी की गई हो ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ये इस इमेज से आप समझ सकते होगे। तो इसके सिवा भी अगर आप चाहें तो दूसरी इमेज पे भी करके देख सकते हैं ऐसे ही, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। और आपको उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब वो आपको वही इमेज बना के दे देगी जो आप ओरिजिनल थी, ऐसा नहीं है। आपको ये अपने अनुसार इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कन्वर्ट करके मतलब कलर भर के इमेज बना के देते हैं आपको। तो ऐसे ही आप देखिए दूसरी इमेज पे भी मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दूसरी इमेज है, ओरिजिनल कॉपी ये थी इसकी, और ये जो इसका कलर में बनाया गया है वो है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब लगती भी है। अब चाहें तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कलराइज इमेज, डाउनलोड कंपरसन, मतलब एक यहाँ पे आपको कलराइज इमेज चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों का कंपरसन मतलब दोनों चाहिए तो
तो वो मिल सकती है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमें ये वाली इमेज मिल जाएगी, ये देखिए डाउनलोड हो जाएगी सिंपली। तो देखिए उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये काम कैसे करती है वेबसाइट, और काफ़ी अच्छी मतलब ये रिजल्ट भी देती है। अगर आप चाह रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आप कलर कर सकें, आपके पास कई पुरानी फ़ोटो पड़ी होंगी जो ब्लैक एंड व्हाइट होंगी अगर, तो आप चाहें तो यहाँ पे आके उसे कलर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई ख्याल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।